मध्य प्रदेश बोर्ड के 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर। आपको बता दें कि बोर्ड की ओर से विद्यार्थियों के लिए एक नोटिस जारी किया गया है। इसके अनुसार 5वीं एवं 8वीं की पुनर्परीक्षा की दिनांकों की घोषणा कर दी गई है। साथ ही विद्यार्थियों के लिए संशोधित दिशा निर्देश भी जारी किया गया है। बोर्ड की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार 5वीं और 8वीं की परीक्षाएँ 18 जुलाई से 23 जुलाई तक आयोजित की जाएंगी। वही परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे तक होगी। आपको बता दें कि इस परीक्षा में वे सभी विद्यार्थी सम्मिलित हो सकेंगे जो पूर्व परीक्षा में पिछली कक्षा में पास नहीं हो पाए थे। साथ ही इस परीक्षा में पूर्व में अनुपस्थित रहने वाले बच्चे समेत दिव्यांग बच्चों को भी पूर्व सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा। तो वहीं इस समय कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनर्परीक्षा के इस सिलसिले में परीक्षा केंद्रों की मैपिंग के लिए 4 जुलाई को पोर्टल एक्टिव किए जा रहे हैं। पोर्टल एक्टिव होने के साथ परीक्षा केंद्र निर्धारण का कार्य भी पूरा किया जाएगा। उसके बाद उनका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड जारी होते ही विद्यार्थी आधिकारिक पोर्टल से जाकर इसे डाउनलोड कर सकेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए भी बड़ी खबर है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से पूर्व परीक्षाएं 3 दिन पहले ही समाप्त कराई गई हैं। ऐसे में इन परीक्षार्थियों के लिए कॉपी का मूल्यांकन नगर निगम चुनाव समाप्त होने के बाद कराया जाएगा। वहीं जुलाई के अंतिम हफ्ते या फिर अगस्त के पहले हफ्ते में जारी कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।